देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वो भी आरडी शर्मा के मैथ में से। और ये चैप्टर आपका एनसीईआरटी की बुक में 8th था भाई। और लास्ट टाइम जो ना एक्सरसाइज 10.1 में थे, और उसमें मैंने जो है ना ये बेस आपको बताया है कि कोई भी राइट एंगल ट्रेंगल हो, उसमें तीन चीजें होती हैं, बेस, हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर। जो हाइपोटेन्यूस है ना, उसमें दो खासियत होती हैं। दो खासियत कौन कौन सी? एक तो जो 90 के सामने जो साइड है ना, वो आपकी हाइपोटेन्यूस होती है। 90 के सामने जो साइड है वो मेरी कौन होती है? हाइपोटेन्यूस। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सारी अभी यूज होंगी कि 90 के सामने जो साइड है वो मेरी हाइपोटेन्यूस होती है। और वो जो हाइपोटेन्यूस है ना, उसमें एक खास बात और भी होती है। मान लो आपको 90 का एंगल ही ना पता हो, तो फिर आप कैसे चेक करोगे कि तीनों में से हाइपोटेन्यूस कौन सी साइड है? जो सबसे लंबी साइड है ना, जो सबसे लंबी साइड है वो मेरी हाइपोटेन्यूस होती है। यानी हाइपोटेन्यूस के अंदर दो खासियतें हैं। 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूस, 90 का पता ही ना हो तो जो सबसे लंबी साइड है वो कौन होगी? मेरी हाइपोटेन्यूस। उसके बाद बेस और परपेंडिकुलर, इन मत कोई भी छोटी बड़ी हो सके, इनमें से कोई भी छोटी बड़ी हो सके, बेस भी बड़ा हो सके और परपेंडिकुलर भी बड़ा हो सके, इनमें कोई भी छोटी बड़ी हो सके। हाँ, पर आप मान अपने मन मर्जी नहीं सकते, इनको मान आप अपने मन मर्जी की नहीं सकते। ये डिपेंड है एंगल के ऊपर। अगर आप एंगल ये लोगे तो ये मेरा परपेंडिकुलर, और ये लोगे तो ये मेरा कौन होगा? परपेंडिकुलर। तीनों के अंदर ये रिलेशन होता है। उसके बाद परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, वो होता साइन थीटा। क्या होता है भाई? साइन थीटा होता है। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस कोस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट थीटा। पर हमने ये पूरे को लिख रखे भाई, हमने ये जो है ना पूरे नहीं लिख रखे, ये इनके शॉर्ट फॉर्म है। जैसे मान लिया आपने इंग्लिश को लिखना हो, तो इंग्लिश को आप ऐसे लिखोगे। अगर आपने कभी शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो ना, तो कई बार हम ऐसे भी काम चला ENG कि समझ जाओ ये कौन लिखा हुआ है, इंग्लिश लिखा हुआ है। वैसे इनके फुल फॉर्म नहीं है। जो साइन है ना, अगर आपको पूरा लिखना हो तो SINE। ये कोस थीटा जो है ना, तो शॉर्ट फॉर्म में है पूरा, तो इसको कोसाइन बोलते हैं। फुल फॉर्म में तो क्या होता है, ये COSINE। ये टेंजेंट तो शॉर्ट फॉर्म है, जैसे बोलो टेंजेंट, पूरा ये टेंजेंट होता है। यानी फुल फॉर्म में अगर आपको लिखना हो ना, तो टेंजेंट ऐसे लिखा जा हुआ है। ये कोसिक तो शॉर्ट फॉर्म है, फुल तो ये क्या होता है भाई? कोसिकेंट होता है। फुल फॉर्म में तो क्या होता है? ये कोसिकेंट। ऐसे ये सिकेंट, और ये मेरा क्या होता है? कोटेंजेंट होता है। कोटेंजेंट क्या होता है? ये मेरा कोटेंजेंट होता है। ये तो इनके शॉर्ट फॉर्म है कि SIN तो लिख दिया साइन थीटा, कोस की बारे में वैसे कोसाइन होता है, और शॉर्ट फॉर्म में सी वैसे काम चला दिया। ये सारी बातें भी यूज होंगी भाई। तो तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ो भाई, लास्ट में मैंने 27 करवाया था आपको, तो पढ़ना 28 एक बार। 28 में क्या कहा है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट आपने बतानी है इनमें से कौन कौन सी तो ट्रू है और कौन कौन सी फॉल्स है, कौन कौन सी ट्रू है और कौन कौन सी फॉल्स है भाई। तो 28, तो इसका जो पहला पार्ट है ना, इसमें लिखा हुआ भाई द वैल्यू ऑफ टेन ए, द वैल्यू ऑफ टेन ए इज ऑलवेज लेस देन वन, इज ऑलवेज लेस देन वन भाई, इज ऑलवेज लेस देन वन। वो ये कहो भाई, जो टेंजेंट की वैल्यू है ना, जो टेंजेंट थीटा की वैल्यू है, हमेशा वन तक लेस होगी। क्या ये बात ट्रू है कि फॉल्स है? तुम यहां देखो एक बार, टेंजेंट का क्या फॉर्मूला है?
टेंजेंट का फॉर्मूला भाई, परपेंडिकुलर अपोन में कोण बेस, परपेंडिकुलर अपोन में कोण बेस होता है ना। और मैंने कोई एक बात बोली है कि परपेंडिकुलर और बेस में कोई भी छोटा बड़ा हो सके, कोई सा भी छोटा बड़ा हो सके। अगर परपेंडिकुलर बड़ा होगा, बेस छोटा हुआ, तो ये नंबर आपका उनता बड़ा होगा, ये नंबर आपका उनता बड़ा होगा। अगर ऊपर वाला नंबर बड़ा हो, नीचे वाला नंबर छोटा हो, तो सोल्व करने के बाद उनता बड़ा होगा। अगर परपेंडिकुलर छोटा हो और बेस बड़ा हो, तो ये नंबर क्या हो आपका, उनता छोटा होगा। तो उनता बड़ी भी हो सकर उनता छोटी भी, और वो को है हमेशा उनता छोटी होगी, ये तो गलत है। और ये जो स्टेटमेंट आपकी क्या भाई, फॉल्स है। आगे बात समझ में, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस में तो कोई भी छोटा बड़ा हो सके। अगर परपेंडिकुलर बड़ा होगा, बेस छोटा होगा, तो इसकी वैल्यू वन तो बड़ी आओगी। अगर ये छोटा हो ये बड़ा हो, तो वैल्यू वन तो छोटी आओगी। तो वन तो बड़ी भी हो सके, वन तो छोटी भी हो सके। तो स्टेटमेंट आपकी क्या, फॉल्स है। उसके बाद जो इससे आगे वाला पार्ट है ना, उसमें लिखा हुआ भाई कि जो सिकेंट ए की वैल्यू है ना, जो सिकेंट ए की वैल्यू है वो 12/5 हो सकती है क्या। 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ, फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। देखो ये को है, जो सिकेंट ए की वैल्यू है ना, जो सिकेंट ए की वैल्यू है वो 12/5 हो सकती है। आपको ये को है क्या, सिकेंट ए की वैल्यू वन तक बड़ी हो सके। ये नंबर आपका वन तक बड़ा है, ये नंबर आपका 2 point something है ना, यानी वन तक बड़ा नंबर है। यानी आपको एक्चुअल में ये को है कि जो सिकेंट ए की वैल्यू है ना, क्या वो वन तक बड़ी हो सके। सिकेंट का फॉर्मूला हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, सिकेंट का फॉर्मूला होता है भाई हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूस और बेस में हाइपोटेन्यूस बड़ा होता है ना, हाइपोटेन्यूस बड़ा नंबर होता है, बेस आपका छोटा नंबर होता है। जब ऊपर लिखा हुआ नंबर बड़ा हो, नीचे लिखा हुआ नंबर छोटा हो, तो वैल्यू वन तो बड़ी आओगी, वैल्यू वन तो बड़ी आओगी नहीं। और ये वन तो बड़ी वैल्यू है, तो यह हो सके सिकेंट ए की वैल्यू या हो सकती है, क्योंकि सिकेंट ए की वैल्यू वन तो बड़ी आओगी। आओ कुछ भी होगी वन तो बड़ी, क्यों, क्योंकि सिकेंट का फॉर्मूला हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूस बड़ा नंबर है, बेस छोटा नंबर है। अगर ऊपर वाला नंबर बड़ा हो, नीचे वाला नंबर छोटा हो, तो वैल्यू वन तो बड़ी आओगी भाई, तो वन तो बड़ी है तो भैया, तो ये ट्रू आपकी, तो स्टेटमेंट कौन है ये आपकी, ट्रू है भाई। उसके बाद जो इसका थर्ड पार्ट है ना, थर्ड पार्ट में क्या कहो भाई कि कोस ए इज, थर्ड पार्ट में लिखा हुआ भाई, ताने इसको एक बार, और ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी की बुक में भी है सेम टू सेम। तो जो इसका थर्ड पार्ट है ना, 28 का थर्ड पार्ट में, इसमें लिखा हुआ है कोस ए इज, कोस ए इज the abbreviation, is the abbreviation, इसका होता संक्षिप्त में खोल के, यानी एबर इंग्लिश आवर कम भाई, तो जो भी लिखा हुआ आपके सामने लिखा हुआ है इसका जो मतलब वो मैं समझा दूँ। हाँ, used for the कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, ऑफ एंगल ए। वो ये कहो भाई, जो कोस ए है ना, क्या जो कोस ए कोसिकेंट ए की शॉर्ट फॉर्म है, क्या कोसिकेंट को शॉर्ट फॉर्म में कोस तो लिखो। अरे कोसिकेंट को तो को शॉर्ट फॉर्म में कोसिक तो लिखो,
और कोस किसके शॉर्ट फॉर्म है, तो कोसाइन के शॉर्ट फॉर्म है, कोस तो जो है ना कोसाइन के शॉर्ट फॉर्म है, ये कोस तो कौन है, कोसाइन की शॉर्ट फॉर्म है, पर वो ये पूछे हैं क्या ये कोस कोसिकेंट की शॉर्ट फॉर्म है, नहीं भाई ये तो कोसाइन के शॉर्ट फॉर्म है, तो ये क्या आपकी फॉल्स है। एब्रिविएशन मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म, या फिर ये कह लो कि जो कोस ए है ना, अगर आपने इसको संक्षिप्त में लिखना हो, पूरा लिखना हो, तो क्या कोस ए को पूरा कोसेकेंट लिखोगे, नहीं भाई कोस ए अगर मैंने पूरा लिखना हो ना तो मैं किससे लिखूंगा, कोसाइन से लिखूंगा मैं तो। इसका मतलब ये है कि जो कोस ए है ना, अगर आपने इसको पूरा लिखना हो, अगर आपने इसको पूरा लिखना हो तो आप कोसेकेंट से लिखोगे क्या, नहीं भाई ये तो मैं कोसाइन ए से लिखूंगा इसको तो। जो कोसिकेंट है ना वो तो मैं कोसिक लिखूंगा, तो आपकी क्या ये फॉल्स है, तो जो स्टेटमेंट आपकी क्या है ये फॉल्स है भाई। ये मतलब दोबारा फिर सुन लो कि कोस ए है ना, इसको अगर हमने पूरा लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, मैं तो कोसाइन लिखूंगा, क्या लिखूंगा इसको तो कोसाइन, पर वो गो है कि कोसिकेंट लिखोगे क्या, नहीं भाई इसको तो आप कोसाइन लिखोगे, गलत है। उसके बाद जो फोर्थ पार्ट है ना, फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ है कि जो कोट ए है, कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ, इज द प्रोडक्ट ऑफ किस किस के भाई, कोट एंड ए, क्या कोट ए क्वार्टर ए के प्रोडक्ट है ना भाई, अगर खाली में लिख दो कोट है, अगर खाली कहीं पर कोट लिखा हुआ हो ना इसका कोई मीनिंग होता ही नहीं, खाली कोट का कोई मीनिंग नहीं है, इसका मीनिंग कब बन रहा है, जब आप यहाँ पर एंगल लिखो जब जाके इसका कोई मीनिंग बने, तो खाली कोट का तो कोई मतलब होता ही नहीं, तो कोट ए कोट और ए की प्रोडक्ट नहीं है, खाली कोट का कोई मतलब नहीं है, खाली कोट और अलग था ए लिखो इनका तो कोई मतलब ही कौन है, तो ये आपके क्या फॉल्स है भाई। उसके बाद वो ये कहो है जो आपका लास्ट पार्ट है ना फिफ्थ, उसमें कहो है जो साइन थीटा की वैल्यू है, साइन थीटा की वैल्यू 4/3 हो सकती है, साइन थीटा की जो वैल्यू है ना क्या 4/3 हो सकती है। देखो साइन मेरा कौन होता है, साइन मेरा होता है भाई परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपोन में कौन है हाइपोटेनस, ऊपर लिखा हुआ नंबर छोटा है नीचे लिखा हुआ नंबर बड़ा है, ऊपर लिखा हुआ नंबर छोटा है नीचे लिखा हुआ नंबर बड़ा है, एंड जो साइन की वैल्यू है ना हमेशा वन तो छोटी होगी, हमेशा वन तो क्या होगी छोटी, पर ये जो नंबर है वो तो वन तो बड़ा है, ये तो आपका वन तो बड़ा नंबर है ना, एंड ये वैल्यू हो ही नहीं सकती, तो क्या ये फॉल्स है तेरी मेरी, आगे मेरी बात समझ में, वो ये को जो साइन थीटा की वैल्यू है 4/3 हो सके क्या, साइन मेरा होता परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ऊपर लिखा हुआ नंबर छोटा है नीचे लिखा हुआ नंबर बड़ा है, तो वैल्यू वन तो छोटी आओगी पर यहाँ तो वन तो बड़ी है ना, तो ये फॉल्स आपकी। तो चलो आपने ये क्वेश्चन करना भाई, बाकी फिर कल करेंगे।